Subscribe my channel and press bell icon. गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और सबसे पहले दुआ, अल्लाह ताला जितने भी रोज़गार हैं सबका रोज़गार का वसीदा बनाए, जितने बीमार हैं उनको सेहतयाबी दे, और जितने परेशान हाल हैं अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो अभी है सुबह का टाइम, तो यहाँ पे जो है वो क्लीनिंग हो चुकी है, जा चुकी है मैं सफाई करके शानजा। और आज धूप भी निकली है, कल तो बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी इस्लामाबाद में। तो अभी जो है वो मैं नान चनों का आज नाश्ता किया है। कभी कभार थोड़ा सा चेंज हो जाए लाइफ में तो वो भी ज़रा अच्छा लगता है। तो बस जैसी धूप निकलती है तो चलते हैं फिर सहन में। और अभी फ़िलहाल मैं करने लगी थी, बर्तन मेरे वॉश करने वाले रह गए, बस किचन क्लीनिंग का काम रह गया, वो इंशाल्लाह जल्दी से मैं निपटाती हूँ। बर्तन मेरे नाश्ते के रह गए हैं, वो जल्दी से क्लीन करें और फिर आपसे साथ साथ गपशप होती है। अभी किचन मेरा सारा क्लीन हो चुका है। आजकल दावर को थोड़ा सा फ्लू हुआ हुआ है, तो उसको इंजेक्शन एक डॉक्टर ने दिया है, वो डाल के तो उसको मैं रोज़ाना जो है वो नेबुलाइज करवाती हूँ। काफ़ी उससे जो है वो इफ़ेक्टिव है वो। और थोड़ा सा इसलिए मैं हर चीज़ साथ साथ बता देती हूँ, एक तो जहन से निकल जाती है बात, दूसरा शायद कहीं पे कोई चीज़ किसी का काम आ जाए, क्योंकि आजकल जो है वो मौसम अप एंड डाउन की सूरत में कभी गर्मी थोड़ी थोड़ी लगती है और अंदर ही काफ़ी ज़्यादा एकदम सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। उस हवाले से जो है ना वो बच्चे खासकर काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। और यहाँ पे जो है मिठू साहब भी बाहर के नज़ारे कर रहे हैं, क्योंकि वो मुर्गाबियाँ जो मैंने अभी आपको उनकी वीडियो भी बनाई है तो वो इधर आके बैठ जाती हैं, तो ये उनकी आवाज़ें सीख चुका है, उनके साथ बैठ के इधर पता नहीं क्या क्या इसकी बातें होती हैं। मिठू, और अब बस मुझे इसका केज साफ़ करना है, फिर इसको भी मैं धूप में ले जा के रखती हूँ। यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी बीफ की कढ़ाई, ये बीफ मैंने निकाल लिया हुआ है, और क्योंकि फ्रीज़ किया हुआ था तो थोड़ा सा ये मेल्ट होता है, तो फिर इसका वो पानी, तो मैं इसकी कढ़ाई बनाऊँगी आज लंच में। लंच और डिनर एक ही हो जाता है, बार बार नहीं जो है वो हम लोग करते, एक ही हंडिया बनती है पूरे दिन में। और क्योंकि इतना ज़्यादा खाना किसी ने होता नहीं, फिर वो खाना वेस्ट जाता है। वहाँ पे मिट्टी का मैंने पिंजरा भी वॉश करके तो उसे धूप में मैं रख के आई हूँ, ताकि थोड़ी इसको धूप लग जाए। बारिश का एक फ़ायदा है कि सेहन आपको फिर जो है ना वो धोना नहीं पड़ता, सेहन इसी तरह ही फिर क्लीन हो जाता है। मौसम आज बहुत अच्छा है, धूप ठीक ठाक लगी हुई है। इस धूप में ना बैठ के किन्नू और पीनट वो खाने का अपना ही एक मज़ा है, और लाजमी मोस्टली तो पाकिस्तानी ये काम ज़रूर करते होंगे, पीनट का और ये किन्नू का। यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है मदनी चैनल, इनकी अच्छी होती हैं गुफ्तगू, जो भी अच्छी बात करे वो जारी बात है वो होती है, बस फिर
किसी भी फिरके को अंदर डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि बस अच्छी बात कोई भी सिखा दे। ये हुए मौलाना तारक जमील साहब, हुए और भी एक दो हैं, तो अच्छी बातें करते हैं और खुदा हमें इन पे अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अर्ज़ है, इबादत में दिल नहीं लगता, इसके लिए क्या करें? दिल का इलाज किया जाए। दिल बीमार है हमारा, इबादत में ये लग नहीं पाता। रूह बीमार है, उसको भी सुरूर नहीं आता इबादत में। गुनाहों के अमराज ऐसे चिपके हुए, फिर ख्याल, मुख्तलिफ टेंशन, दुनिया की मोहब्बत का जंग दिल पे लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, दुनिया का रंग ही हमारे ऊपर लग चुका है। हम अपनी ही दुनिया में हैं, हम भूल चुके हैं कि हमने आगे भी जाना है। और ख़ासकर कुछ लोग तो ऐसे मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं कि बहुत दीनदार जो शक्ल से लगते हैं, बहुत उनको बंदा कह सकता है कि ये ना एक दीनदार हो सकता है, लेकिन जब वो अखलाकिया से भी बास कर इतने वो निचले दर्जे पर जा गिरता है कि इंसान वैसे ही देखता बस हक्का बक्का रह जाता है कि या इस सब बंदे को बंदा क्या कहे। तो मेरे ख्याल से कि ये इस चीज़ का भरम रखना वो भी बहुत बड़ी बात होती है, जैसे कि उमरा हज सारे करते हैं, लेकिन उस चीज़ का भरम रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। आप अगर उमरा हज करके आके भी लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं, लोगों के साथ जो है बद अखलाकियात का किरदार अदा कर रहे हैं, तो उस उम्र और हज का क्या फ़ायदा है? बस अल्लाह ताला हम सबको बस नेक हदायत दे और नेक काम करने की बस तौफीक अता फरमाए। आमीन। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ और मैं उसकी रेसिपी भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगी। ये मैंने बना के रखा हुआ है अदरक का हलवा, और ये काफ़ी सख्त होता है पक पक के। ये दूध के साथ बनता है, दूध और गुड़ या शक्कर के साथ, देसी घी में इसमें शामिल होता है। ये नज़ला ज़ुकाम इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, और इसकी बहुत जल्दी मैं आफ़ी कुकिंग एरिया पे इसकी रेसिपी जो है वो अपलोड करूँगी। तो इसको ज़रूर बना के जो है वो एक छोटी छोटी इंच की गोलियाँ टाइप बना के तो आपने गर्म दूध के साथ लेनी होती हैं, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। और एंड में मैं दावर की जो बर्थडे हुई थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसका एंड पे मैं वीडियो जो है वो थोड़ा सा क्लिप शेयर कर दूंगी, तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो होपफुली आज का आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, अपनी दुआ में याद रखें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, न जाने ये किस मोड़ पर इसका जो है वो ख़ात्मा हो जाना है। तो चलें, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फूक, हाँ मारो ना, फूक मारो, हाँ जी मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मानो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you manu, happy birthday to you, happy birthday to you, iske muh mein thoda cake dalen, happy birthday to you, thoda yaar, happy birthday to you manu, chale ji, happy birthday, chalo ji bas nikal। इधर आओ, उधर खड़े होके तुम्हारी एक पिक बना दूँ, उसको छेड़ना ना, उधर पिक बना दूँ आपको।